इंसान का मन तो भीड़ में हमेशा कमज़ोर ही रहा है और इस कमज़ोर मन का ही हमेशा शोषण हुआ है। धार्मिक नेता, राजनेता और माफिया कहें या टेररिस्ट कहें, ये एक नेक्सस, ये सब मिले जुले, ये सब तीनों मिले हुए हैं। ऐसा नहीं समझें कि टेररिस्ट या जो माफिया है वो कहीं अलग पड़ा हुआ है, धार्मिक नेता कहीं अलग पड़ा हुआ है, क्योंकि सब एक दूसरे के बेनिफिट में काम करते हैं, एक दूसरे के हित में काम करते हैं। आम जनता केवल उसमें इस्तेमाल होती है। आम जनता में कोई नहीं चाहता कि वो अवेयरनेस आए, उन भावनाओं को भड़का के ही तो उनको फ़ायदा मिलना है। अभी तो दुर्घटना यह है कि चुनाव आने वाला है, तो ये तो कई लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी, और बल्कि मंथन चल रहा होगा तमाम पार्टियों और तमाम लोगों में, चाहे वो विपक्षी दलों चाहे सत्ता के लोगों में, इसका हम क्या बेस्ट यूज कर सकें, इसी भाषा में बात चल रही होगी। आप यकीन माने ना माने, सुनने में ये बात थोड़ी खराब लगती है, लेकिन उनके आपसी डिस्कशन में, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, यही बात चल रही होगी कि भाई कांड तो बड़ा सेंसेशनल हो गया, इसका क्या यूज कर सकते हैं, ये अपने बेनिफिट में कैसे जाएगा। इसी बात का उदाहरण मैं आपको बताऊं, अपने इसी करंट टाइम के बड़े प्रसिद्ध एक धार्मिक नेता हैं, काफी काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तमाम बड़े नामों में से हैं। उनसे एक जुड़े हुए बहुत क्लोज व्यक्ति थे, वो मेरे पास आया करते थे, वो पहले से जुड़े थे और वो मूवीज वगैरह शूट करते थे, बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका सेकंड लेवल का व्यक्ति था, जो धार्मिक नेता हैं उनके बाद वाला, उससे वो बिल्कुल जुड़े हुए थे, सीधा उनका इंटरेक्शन उनसे हो जाता था, उन गुरुजी से भी उनका इंटरेक्शन हो जाता था। उन्होंने कई उनके लिए शूट बड़े अच्छे कर फुटेज वगैरह दिए हुए थे पहले भी। तो अभी चंद साल हुए, मुझे ठीक साल तो नहीं याद है, मुझे लगता है कि ये 2008 के करीब की बात होगी या 9 के करीब की बात, जब बाढ़ आई थी बहुत सारी, अपने लखनऊ में बहुत पानी भरा था, आसपास के इलाके बाराबंकी और गोरखपुर और सब तमाम जगह, बहुत सारी जगह बाढ़ की चपेट में थी, काफ़ी नुकसान हो रहा था, काफ़ी बाढ़ का प्रकोप था। तो एक दिन वो मेरे पास आए और बड़े सैटर्ड से, बड़े दुखी से कहने, मेरी समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी के यहाँ से फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इसका हम लोग अपने पब्लिसिटी के लिए बेस्ट यूज कर सकते हैं। यही लैंग्वेज वो कह रहे हैं, कह रहे यही लैंग्वेज उन्होंने बोली कि अच्छा आप निकल जाओ कहीं पर, अच्छे फुटेज निकाल लो कुछ, अपने लोगों के हेल्प करते हुए, लोगों के बाढ़ में फंसे हुए लोगों के थोड़े अच्छे शूट कर लो, फुटेज निकाल लो, ये अपने पब्लिसिटी में बहुत काम आएगी, इसका अच्छा यूज करेंगे हम लोग। वो कहने लगे, मैं शॉक्ड हो गया, इतना बड़ा धार्मिक नेता, बाढ़ का प्रकोप है, आप मदद करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मदद करने से ज़्यादा आपका टारगेट ये है कि उसका आप यूज क्या कर लेंगे उस इवेंट का, कि आपने इसमें क्या क्या किया था, कितने फूड पैकेट बांटे थे, कितने कंबल बांटे थे, कितने टेंट लगवाए थे, क्या क्या किया था, उसका फुटेज शूट करेंगे, फिर अपनी पब्लिसिटी में यूज करेंगे। तो नहीं कहा, ये तो बड़ी रूथलेस मार्केटिंग हो गई। वो तो है मार्केटिंग, वो बहुत सेटर्ड थे, वो इससे उबरने में उनको काफ़ी वक्त लगा, बड़ी श्रद्धा करते थे। उन्होंने कहा, ये तो रूथलेस मार्केटिंग है कि व्यक्ति सहायता करते हुए दिख रहा है लेकिन वो बेसिकली यूज कर रहा है। तो यही अभी इस कश्मीर की घटना पर भी चल रहा होगा, सब बैठ कर चिंतन मनन कर रहे होंगे, धार्मिक लोग भी कर रहे होंगे, राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं, अब इसका क्या यूज करें। अब यूज करने के लिए तो आप लोगों की जन भावनाओं के साथ पहले खेलिए और उन्हीं से आप पोलराइज करिए चीजों को। देखिए, सैनिक का सम्मान अपनी जगह, लेकिन कुछ वक्त से आपने देखा होगा सैनिक इतना ज्यादा लोग कर देते हैं कि समझ में नहीं आता कि अब इंसान क्या करे, सबसे सम्मानित किसको दिखाए। अरे सिनेमा हॉल का जो मैंने उदाहरण दिया, मैंने कई बार वहाँ जाकर देखा कितने अनमने से, भारी मन से लोग खड़े होते हैं। ये तो मैं कहूँगा राष्ट्रगान का या राष्ट्रीय ध्वज का आप अपमान करा रहे हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती खड़ा करवा रहे हैं। उनके मन में प्रेम पैदा करवाइए, उनके मन में उसकी गरिमा पैदा कराइए, ना कि ज़बरदस्ती करिए चीज़ों को, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। तो
लोग चाहते ही नहीं कि वो चीज़ें हों। अब सवाल है कि एक घटना हुई, मान लीजिए अटैक हुआ, लोग कहते बदला लेंगे, लेकिन दुश्मन पता है आपको? सवाल वो है कि दुश्मन आपको पता है किससे बदला लेना है? यानी पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान पर अटैक करना कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जाके पड़ोस में चार पत्थर फेंक आए, कितने जन धन की हानि होगी तब भी कितने इनोसेंट सैनिक मारे जाएंगे जिनको राजनेता लोग लगा देंगे युद्ध में कि चलो लड़ो, उधर के भी मरेंगे इधर के भी मरेंगे, और जो आम नागरिक हैं वो भी उसका नुकसान उठाएंगे। उससे क्या हल निकलेगा? अभी जो बात हमने कही, जो आतंकवाद पैदा करने की मूल वृत्तियां हैं और मौलिक लोग हैं उनको देखिए, उनको आप करिए। पाकिस्तान को टटोलते क्या आप अमेरिका तक जाएंगे, जो फंडिंग करता है, हथियारों की सप्लाई करता है और सारा जखीरा उसने जमा करके बांट रखा है, आप उस तक जाएंगे? आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि अब वहाँ तक कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो तो भाई सबसे ताकतवर देश है और आतंक के खिलाफ उसने मुहिम भी चला रखी है, हथियार भी बांट रखे हैं, सब बना भी रखा है, तो आप तो इधर लड़ लेंगे, उधर तो लड़ेंगे नहीं। आप इधर एक पाकिस्तान, चलो मैं कहता हूँ आप ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल, आप कुछ एटम बम, लेकिन उसके पास भी एटम बम है, आप इधर डालेंगे तो उधर भी, वो तो आजकल बटन दबाने से काम होता है, तो ऐसा नहीं कि आप बड़े स्मार्ट हैं, आप एटम बम गिरा लेंगे उधर से नहीं आएगा, और एटम बम गिरेगा तो कौन से टेररिस्ट मारे जाएंगे? आप सोचिए, अगर आपको एटम बम गिरा देंगे तो टेररिस्ट मारे जाएंगे, आम जनता मारी जाएगी, जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं वैसे उधर के लोग हैं, कुछ इधर बिगड़े हुए होंगे, कुछ उधर बिगड़े हुए होंगे, हर तरफ बिगड़े हुए लोग कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन क्या लड़ाई लड़ते लड़ते आप अमेरिका तक पहुंचेंगे? क्या आप चीन तक पहुंचेंगे? वो हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो ये सब क्या है, बड़ा ही लोगों के माइंड का मिसयूज है। अभी के अभी अगर ये धार्मिक नेता खड़े हों अपने मंदिरों मस्जिदों और सब जगहों से, जो लोग फतवे देते हैं और अपने भाषणबाजी करते हैं और आश्रमों में बैठे सब खड़े होकर बोल दें कि सब बंद, इसका कोई मतलब नहीं, शांति से रहो, प्रेम से रहो, नहीं बोलना है उनको? राजनेता लोग बोल दें, कह दें हमको इन चीज़ों से मतलब नहीं, शांति चाहिए हमको, सब बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं चाहिए किसी को। उसी से तो पोलराइज होंगे, नेताओं को वोट मिलेंगे, आश्रम वालों को उनके अनुयायी मिलेंगे, संप्रदाय वालों को उनके लोग मिलेंगे, सबकी अपनी अपनी दुकानें चलेंगी, तो ये सब अलग अलग दुकानें चलने वाली चीज़ें हो जाती हैं। कोई भी खड़ा होकर इसका विरोध, और आम व्यक्ति भी क्या कर लेगा, जैसे हम और आप जैसे लोग जिनकी अभी इतनी लोगों तक पहुंच नहीं है, चलो मैं बात कहूं फिर भी कुछ लोगों तक आम व्यक्ति से ज़्यादा जाती है, लेकिन फिर भी उतनी दूर तो नहीं जा रही ना, शांति होनी चाहिए। लेकिन जो लोग उस मुकाम पर खड़े हैं वो तो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते, नहीं कहते वो लोग? यही समस्या है।